एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में राजू नाम का एक आदमी रहता था, जिसने अपनी खुद की पिज्जा की दुकान खोलने का सपना देखा था। उन्हें हमेशा से खाना पकाने का शौक था और स्वादिष्ट पिज्जा बनाने की उनमें विशेष प्रतिभा थी। हालांकि उनके पास अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए संसाधनों और वित्तीय सहायता की कमी थी। राजू ने एक स्थानीय पिज्जा श्रृंखला के लिए डिलीवरी बॉय के रूप में अथक परिश्रम किया। अनेक चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने सपने को कभी टूटने नहीं दिया। उनके दृढ़ संकल्प और अटूट भावना ने एक प्रसिद्ध शेफ का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें सलाह देने की पेशकश की। शेफ के मार्गदर्शन से राजू ने अपने कौशल को निखारा और उत्तम पिज्जा बनाने की कला सीखी। अपने नए ज्ञान और जुनून से लैस राजू ने अपना खुद का पिज्जा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने कोने में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और उसका नाम राजू पिज्जा पैराडाइज रखा। शुरुआती दिन कठिन थे, केवल कुछ ही ग्राहक थे, लेकिन राजू ने कभी उम्मीद नहीं खोई। वह जानता था कि अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसे कुछ अनोखा चाहिए, कुछ ऐसा जो उसके पिज्जा को बाकियों से अलग दिखाए। इसलिए उन्होंने पारंपरिक व्यंजनों को अपने रचनात्मक ट्विस्ट के साथ जोड़ते हुए विभिन्न स्वादों और टॉपिंग के साथ प्रयोग किया। राजू के पिज्जा ने जल्द ही अपने अभिनव संयोजन और मुंह में पानी ला देने वाले स्वाद के लिए लोकप्रियता हासिल कर ली। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई और दूर दूर से लोग राजू के पिज्जा पैराडाइज पर आने लगे। ताजे पके हुए पिज्जा की सुगंध हवा में फैल गई और दुकान हमेशा भूखे ग्राहकों से भरी रहती थी। राजू की लगन और मेहनत रंग ला रही थी और उसका सपना धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा था। लेकिन राजू को यह नहीं पता था कि उसकी सफलता प्रतिद्वंद्वी पिज्जा श्रृंखला के मालिक श्री शर्मा का ध्यान आकर्षित करेगी। प्रतियोगिता को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित श्री शर्मा ने गंदी रणनीति का सहारा लिया। उसने राजू के पिज्जा के बारे में अफवाह फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की। राजू के व्यवसाय को नुकसान होने लगा क्योंकि उसके पिज्जा की गुणवत्ता पर संदेह होने लगा। निराश होकर उसने हार मानने के बारे में सोचा। हालांकि उनके वफादार ग्राहकों के अटूट समर्थन और उनकी कला में उनके विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। राजू ने वापस लड़ने और अपने विरोधियों को गलत साबित करने का फैसला किया। अपने दोस्तों और शुभचिंतकों की मदद से राजू ने पिज्जा टेस्टिंग फेस्टिवल का आयोजन किया। उन्होंने प्रसिद्ध खाद्य आलोचकों, मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों को अपने पिज्जा का स्वाद लेने और अपनी ईमानदार राय साझा करने के लिए आमंत्रित किया। आखिरकार वह दिन आ ही गया और आलोचक राजू के पिज्जा की प्रशंसा करना बंद नहीं कर सके। उन्होंने अनूठे स्वादों, गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों और हर टुकड़े में मौजूद जुनून की प्रशंसा की। राजू के पिज्जा ने सबसे कड़े आलोचकों का भी दिल जीत लिया और उनकी प्रतिष्ठा बहाल हो गई। पिज्जा टेस्टिंग फेस्टिवल राजू की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। सकारात्मक समीक्षाओं के कारण ग्राहकों की बाढ़ आ गई और राजू का पिज्जा पैराडाइज शहर में चर्चा का विषय बन गया। उनकी सफलता ने न केवल पिज्जा उद्योग में अपना स्थान सुरक्षित किया, बल्कि इच्छुक उद्यमियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। कड़ी मेहनत, लचीलेपन और जादू की बौछार के माध्यम से राजू ने पिज्जा की दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली थी। आज उनका पिज्जा साम्राज्य दृढ़ संकल्प की शक्ति और किसी के जुनून की खोज के प्रमाण के रूप में खड़ा है। एक छोटे शहर के सपने देखने वाले से लेकर एक सफल पिज्जा उद्यमी तक राजू की यात्रा की यह हृदयस्पर्शी कहानी याद दिलाती है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो दृढ़ रहते हैं, चुनौतियों से पार पाते हैं और अपने सपनों के प्रति सच्चे रहते हैं, चाहे विषम परिस्थितियां क्यों न हो। एक लंबे समय पहले
एक गांव में नरेंद्र नामक एक आदमी उसके बहन रितिका के साथ एक छोटे घर में रह रहा था। बचपन में ही उनके माँ बाप का देहांत होने के कारण वो उसके बहन का ख्याल रखता था। नरेंद्र उसकी बहन के लिए पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत करता था और पैसे कमा के उसकी बहन को पढ़ाता था। कुछ साल बाद जब उसकी बहन का कॉलेज में पढ़ने का समय आया तो उसके गांव में कॉलेज ना होने के कारण उसे दूसरे शहर में पढ़ाता था। एक दिन उसकी बहन दोस्तों के साथ बाहर जाती है। वहाँ वो पहली बार फ्रेंच फ्राइज खाती है। वो बहुत ही स्वादिष्ट होने के कारण उन्हें बनाने का विधि भी देखती है। उस दिन शाम को घर आते ही वो कुछ आलू लेके उस विधि से फ्रेंच फ्राइज बनाने की कोशिश करती है। इतने में उसका भैया घर आता है। रितिका, थोड़ा पानी दो ना माँ। जी भैया। पानी के साथ साथ मैं इन फ्रेंच फ्राइज को भी देती हूँ, फिर उन्हें पूछूंगी कि उनको ये कैसे लगा। और ऐसे तैयार किए हुए फ्रेंच फ्राइज पानी के साथ देती है। नरेंद्रा पानी पीकर उन फ्रेंच फ्राइज को देखते रहता है। तब रितिका, भैया वो यूं ही घूरने के लिए नहीं है बल्कि खाने के लिए बने हैं, जरा खा के तो बताओ कि कैसे हैं। उसके बहन के ऐसे कहने पर ये ना जानने के बावजूद कि वो क्या है, नरेंद्र उन्हें खा कर कहता है, कैसे बना है तुमने ये, बहुत ही स्वादिष्ट है, हमारे गांव में तो मैंने इसे कभी नहीं खाया। भैया इन्हें मैंने ही बनाया। और तब वो उसके भैया को जो कुछ भी हुआ बताती है। भैया मेरे पास एक अच्छा विचार है। क्या है वो रितिका? हमारे गांव में फ्रेंच फ्राइज के बारे में किसी को भी नहीं पता है, इसीलिए हम एक फ्रेंच फ्राइज का दुकान लगा के इन्हें बेचेंगे, तब बहुत लाभ होगा, बच्चे और बड़े इसे एक ही सामान पसंद करेंगे और तुम्हें भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो सही है, मगर इन्हें बनाना तो मुझे नहीं आता है ना रितिका। मुझे आता है ना भैया, मैं आपको इन्हें बनाना सिखाऊंगी। ठीक है माँ। और ऐसे वो अपने भैया को फ्रेंच फ्राइज बनाना सिखाती है। मुझे तो इन्हें बना के बेचना पसंद ही नहीं है, पर मेरे बहन के खातिर मैं ये करूंगा, तब उसे बहुत खुशी होगी। बेटा इन्हें बनाना तो बड़ा आसान है और हमारे गांव में भी आलू का दाम कम है, ये सब मैं तुम्हारे ही लिए कर रहा हूँ। ये कह के नरेंद्र आलू को खरीद के एक नया दुकान लगा के फ्रेंच फ्राइज बना के उन्हें बेचने लगता है। उसी तरफ जाते हुए सारे लोग फ्रेंच फ्राइज का एक नया दुकान दिखने पर वहीं जाकर खरीदने लगते हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अंकल ये फ्रेंच फ्राइज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी मन पसंद बन गए हैं अब। अब तक तो हमारे गांव में इन्हें किसी ने नहीं बेचा, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे उसकी प्रशंसा करते हुए सभी खाते थे। कुछ साल में ही नरेंद्र का फ्रेंच फ्राइज व्यापार बहुत प्रसिद्ध होता है और वो बहुत सफल भी होता है। फ्रेंच फ्राइज को बनाने के लिए भी उसके नीचे कुछ लोगों को काम पे लगाता है। नरेंद्र को बहुत कम समय में व्यापार में इतना सफल होना देख गांव के लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। नरेंद्र के बगल वाले दुकान का मालिक वंशी था, उसे हमेशा उसके व्यापार से ज्यादा नरेंद्र के व्यापार का विकास होना देख जलन होता था। इसके सफलता को ऐसे देखने से कुछ नहीं होने वाला, उसके दुकान को ही गायब कर देना होगा। हाँ। ये फैसला करके उस रात को सबके सो जाने के बाद वंशी नरेंद्र के दुकान को गायब कर देता है। नरेंद्र जब सुबह उठ के उसके दुकान की ओर जाता है तो उसे वहां कुछ नहीं दिखाई देने पर वो हैरान हो जाता है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को पूछने पर भी उन्हें कुछ नहीं पता होने पर वो कुछ नहीं कह पाते हैं और नरेंद्र निराश होके वापस उसके घर लौटता है। नरेंद्र के घर पहुंचने के तुरंत बाद उसकी बहन कॉलेज से घर पहुंचती है और उसे खुशखबरी देती है कि उसे एक नौकरी मिल गई।
लेकिन उसके भैया को दुखी देख पूछती है, भैया क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हो? तब नरेंद्रा उसे जो कुछ भी हुआ बताता है। आप निराश मत हो भैया, अब मेरा नौकरी लग गया है ना, आप पहले से भी बड़ा फ्रेंच फ्राइज का दुकान लगाइए और इस बार हम अपने दुकान के बाहर एक सीसी कैमरा भी लगाएंगे। कुछ दिन बाद रितिका उसके वादा के अनुसार ही उसके वेतन के पैसों को लाकर उसके भैया के हाथों में देती है। तब नरेंद्रा उसी स्थान में पहले से भी बड़ा दुकान लगाता है और बाहर एक सीसी कैमरा को भी लगवाता है। उसका दुकान प्रसिद्ध होने के कारण सभी वापस उसी के दुकान आने लगते हैं और वही फ्रेंच फ्राइज खरीदते हैं। ये देख वंशी वापस उसके व्यापार को छोड़कर नरेंद्रा के व्यापार के बारे में दुखी होता है। मैंने हमेशा नरेंद्रा के व्यापार और उसकी उन्नति को देख रोया है, पर खुद के व्यापार पर कभी ध्यान नहीं दिया मैंने। अगर दिया होता तो आज मेरे व्यापार के साथ साथ मेरा भी सेहत ठीक होता, मैं से बीमार नहीं पड़ जाता, ये सोचते हुए दुखी होता है। इस तरफ नरेंद्रा उसके बहन का कहा मानते हुए उसका व्यापार अच्छे से चलाता है। रितिका भी उसके भैया की इस नाम को देख बहुत खुश होती है और वो उसका नौकरी करते हुए अपने भाई के दुकान का भी ख्याल रखती है। ऐसे ही वो दोनों भाई बहन मेहनत करते हुए खुशी से जीते हैं। एक समय की बात है, मोहन और पद्मावती नाम के दो भाई बहन रहते थे। मोहन बड़ी पढ़ाई कर बड़े शहर में अपने बीबी बच्चों के साथ रहता था, पर पद्मावती जिस शहर में पढ़ाई की उसी शहर के जान पहचान के एक लड़के रघु से शादी करके वहां पर बस गई। पद्मावती के पास सुंदरता के साथ साथ कई गुण थे, वो अपने पति के साथ सम्मान मेहनत करती। पद्मावती घर पे बहुत मेहनत से समोसे बनाती और उसका पति रघु उस समोसों को टोकरी में डाल के अपनी साइकिल पे रख के गांव में बेचा करता था। समोसे समोसे। उन समोसों से कमाए हुए पैसे रघु घर लेकर आता था। उस तरह 6 साल गुजर गए। उन 6 सालों में पद्मावती को 3 बच्चे हुए, 2 लड़की और 1 लड़का। अपने तीनों बच्चों की भविष्य को दृष्टि में रखते हुए पद्मावती और रघु बहुत मेहनत से काम किया करते थे। पद्मावती के समोसे उस गांव में बहुत मशहूर थे। एक दिन पद्मावती का भाई मोहन पद्मावती के पूरे परिवार से मिलने शहर से गांव आया। बहन, और कितने दिन यहाँ रहोगी? शहर आकर यहाँ करने वाली समोसे का धंधा वहां कर लो ना। इसी दौरान रघु घर पर आया तो मोहन ने भी उसे यही बात दोहराकर बोला, अगर बच्चों का भविष्य शहर में अच्छा रहेगा तो हम जरूर आएंगे जीजा जी। जिस जगह पर बहुत ज्यादा लोग नौकरी करने आते हैं वहां पर अपने समोसे का धंधा शुरू करो। मैं जहां नौकरी करने जाता हूं हर सुबह मेरे साथ आके साइकिल पे समोसे बेचो। जैसे मोहन ने कहा उसी तरह रघु शहर चला गया। मोहन के घर के बाजू में ही एक छोटा सा घर किराए पे लेकर वो लोग वहां रहने लगे। बिल्कुल गांव के जैसे यहां भी पद्मावती समोसे बनाती और रघु उन्हें साइकिल पर रखकर मोहन के साथ नौकरी करने के जगह जाके समोसे बेचना शुरू किया। हर दिन मोहन नौकरी पे जाता और पैसे कमा कर लेकर आता। वैसे ही रघु भी समोसे बेचकर हर दिन पैसे कमाकर घर लेकर आता था।
पद्मावती के हाथों से बनाए हुए समोसे शहर वालों को भी बड़े स्वादिष्ट लगते थे। हर दिन रघु जितने समोसे लेकर जाता वो सारे समोसे बिक जाते। इस तरह उन बेचे हुए समोसों के पैसों से रघु ने एक छोटा सा समोसे का ठेला खरीद लिया और गरम गरम समोसे वहीं पे बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ पद्मावती गरम गरम समोसे बनाती थी और दूसरी ही तरफ रघु उन समोसों को बेचा करता था। अब तो पहले से ज्यादा कमाई होने लगी थी। जिस तरह पद्मावती और रघु पूरी लगन से कमाई करते थे, उनकी मेहनत के वजह से जिस जगह पर वो छोटे से साइकिल से अपना धंधा शुरू किया, उसी जगह एक छोटी सी ठेला खरीदने के बाद एक बड़ा ठेला भी खरीदा और उसके बाद उन्होंने दो लोगों को भी वहां पर काम पे रखा। इसी तरह उनके समोसे का धंधा बहुत अच्छा चला, लेकिन इतने सारे ग्राहक बढ़ गए कि समोसे खत्म होने के वजह से उनमें से काफी ग्राहक निराश होकर वहां से लौटने लगे। पद्मावती और रघु के दिन रात के मेहनत के वजह से अब वो जगह समोसा सेंटर के नाम से मशहूर होने लगी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने 10 और काम करने वालों को रख लिया, साथ ही साथ 30 ग्राहकों के बैठने के लायक जगह भी बना ली दुकान में। जैसे समय बीतता गया वैसे पद्मावती के भी बच्चे बड़े होने लगे। मोहन भी रघु के जैसे बढ़ता गया और अच्छी आमदनी कमाने लगा। एक दिन नौकरी खत्म करके मोहन घर लौट जा रहा था, तभी उसने पद्मावती और रघु का समोसा सेंटर देखा और वहां गया। मेरी दी हुई सलाह के वजह से ही तुम लोग इतनी सफलता पाए हो। मैं तुम लोगों को एक और सलाह देता हूँ, सुनो। वो क्या सलाह है भैया? मैं 10 सालों से देख रहा हूँ, रघु इतने सारे लोगों को समोसा सेंटर में संभालता है, उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। रघु मैनेजर के पोस्ट के लिए एकदम सही रहेगा। मेरे जैसा बड़ा जॉब, मेरे जैसा बड़ा नाम, अगर काम पसंद आए तो इनाम। यहाँ हर दिन रघु अपने हुनर और समय को बर्बाद कर रहा है। ये क्या भैया, हम सोच रहे थे आपके काम से हमारा काम बहुत ज्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 साल पहले एक साइकिल स्टैंड के ऊपर एक छोटी सी टोकरी के अंदर हम समोसे बेचा करते थे। उसी दौरान आपकी भी नौकरी लगी थी, लेकिन उस दिनों हम रोज 800 रुपए कमाया करते थे और आपकी महीने की तनख्वाह 10,000 थी। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अब हम एक बहुत बड़े समोसे की दुकान के मालिक हैं। इस पूरे एरिया में बहुत मशहूर है। अपने इन 10 सालों में आप इन 10 सालों में मैनेजर बने, जिसके वजह से आपकी महीने की तनख्वाह 1,00,000 हो गई है और हमारी 1,00,000 से भी ज्यादा आमदनी है। हमने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो भी किया सब सही किया भैया। भविष्य के लिए? वो कैसे? जी, हमने बहुत कम पैसों से अपना धंधा शुरू किया था। हमारे बच्चों को हमने जिस तरह मेहनत की, उस तरह मेहनत की जरूरत नहीं है। एक दिन मेरा बेटा इस समोसे का ध्यान रखेगा और संभालेगा, पूरी तरह से बने हुए बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। आपके बच्चों को वापस शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी तरह आपके बच्चे सीधे आपके दर्जे पर नहीं बैठ सकते। आपके कंपनी के मालिक के बच्चे उस दर्जे पर बैठ सकते हैं, पर आपके बच्चे आपके दर्जे पर आते आते उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब बोलो जीजा जी, कौन किसका हुनर और समय बर्बाद कर रहा है? इन सारी बातों को सुनके मोहन को भी लगा कि जो पद्मावती और रघु बोल रहे हैं वो एकदम सही है। वो चुपचाप सोचते हुए वहां से चला गया।
पद्मावती और रघु ने अपने दोनों बेटियों की शादी कर दी और अपने बेटे को समोसा सेंटर का धंधा सौंप दिया। पद्मावती के लड़के को बहुत मेहनत से काम करता हुआ देखकर और अच्छा नाम कमाते हुए देखकर मोहन ने अपनी बेटी को उससे शादी करने का फैसला किया और यह सोचकर रघु और पद्मावती से पूछा, जिसके लिए सब लोग खुशी खुशी मान गए। अब सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, मेरी भी बेटी की जिंदगी खुशी खुशी कटेगी।